गए, हत्या करके भाग गए और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था पूछना चाहिए, थोड़ा पूछिए इन लोगों से क्या होना चाहिए था। क्या एक निषाद बेटी के साथ जो इन्होंने अयोध्या में क्या समाजवादी पार्टी के नेता ने क्या ये ठीक था? क्या एक निषाद बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं? हमारा मंत्री डॉक्टर संजय निषाद वहां जाकर के उस बेटी की हालत देख करके रो पड़ा था और कह रहा था ये है निषादों के साथ समाजवादी पार्टी का क्यों। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, तब भी उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो इसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं थी, उनके लोग तब भी बचाव कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं नहीं निर्दोष है। अरे निर्दोष क्या है, सब कुछ तो उसका प्रमाणित हो चुका है और उसके बाद भी निर्दोष बोलते हो। कठोर में जो किया इनके इनके नेताओं ने एक नाबालिग बेटी के साथ और उसके बाद भी उसका बचाव कर रहे हैं, उसके बाद भी उसका बचाव कर रहे हैं, क्या ये सही था? क्या जो कन्नौज में इनके नेता कर रहे थे क्या ये सच सही था? क्या आज तो प्रमाणित हो चुका है कि इनके कृत्य क्या है। बहनों और भाइयों यही समाजवादी पार्टी की वास्तविक पहचान है, क्योंकि ये लोग जब से सत्ता में आए थे लगातार यही काम करते थे, व्यापारियों को लूटते थे, बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, दबंगई के बल पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे। याद करिए जब मार्च 17 में सरकार बनी थी